तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने अभी अपनी सभी वीडियो में जब भी किसी समर्सिबल पंप को बनाया है या तो रिपेयर किया, समर्सिबल पंप की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे दोस्तों मैंने 4 mm की चाबी से हमेशा पंप बनाया, 4 mm का 4 mm का जो है गैप रखता हूँ हर एम्पिलर और बाउल के बीच में, यानी कि 4 mm का डिस्टेंस रहता है, 4 mm की प्ले रखता हूँ मैं अभी सभी वीडियोज़ में। तो मुझे इस बार सबसे ज़्यादा ये कमेंट्स आए कि दोस्तों, एक जो है अगले बार अस्कर हैं, वह जब पंप रिपेयर करते हैं उनके वीडियोस भी काफ़ी अच्छी, बहुत ही अच्छी तरह वीडियो वो भी बनाते हैं, तो वह जब भी पंप बनाते हैं तो वह केवल 2 mm का ही गैप रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, और मैं दोस्तों 4 mm का गैप रखता हूँ, 4 mm की प्ले रखता हूँ, और वो दोस्तों अखिल बार अस्कर जो है 2 mm का ही प्ले ही रखते हैं। तो मुझे बहुत से लोग कमेंट आए कि सर आप गलत सिखा रहे हैं या वो गलत सिखा रहे हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में यह सारा डाउट जो है क्लियर कर दूंगा मैं, कि मैं आपको सही सिखा रहा हूँ पंप बनाना, कि अखिल बार अस्कर आपको सही सिखा रहे हैं, या मैं गलत सिखा रहा हूँ या वो गलत सिखा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन सही है और कौन गलत, कौन आपको सही सही पंप बनाना सिखा रहा है और कौन आपको गलत पंप बनाना सिखा रहा है। तो यही सारे डाउट जो है क्लियर करने वाला हूँ एक वीडियो के सहारे, कि कैसे वो पंप बनाते हैं 2 mm की प्ले रख के और कैसे मैं पंप बनाता हूँ 4 mm की प्ले रख के। तो वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ कि मैं जो है कैसे पंप बनाता हूँ, मैं कितने एम एम प्ले रखता हूँ, और दोस्तों उसके बाद ये बताऊँगे जो अखिल बार अस्कर वो कैसे पंप बनाते हैं और कितने पंप, कितने एम एम का जो है चाल रखते हैं, कितने एम एम का प्ले रखते हैं, कौन दोस्तों आपको सही सिखाता है, कौन गलत सिखाता है। आज की दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कैसे जो है पंप बनाता हूँ। यहाँ पे है मेरे पास ये साफ्टिंग, जिसको दोस्तों मैं इस लाख पे पंप बनाता हूँ, मोटर पे नहीं लगाता हूँ। इस दोस्तों ऐसे ही इसमें मैंने इसमें साफ्ट को फंसा दी, उसके बाद ये सक्शन है जो मोटर के ऊपर फिट होता है कुछ इस प्रकार से। उसके बाद ये जो है सेटिंग स्लीव जो है प्लास्टिक किया जाता है, इसको यहाँ पे डालना होता है। खड़ा हो जाए। और फिर चाबी भैया ना यहाँ पे सेटिंग्स, फिर दोस्तों मैं इस एम्पिलर को यहाँ पे कुछ इस प्रकार से शार्प में डालता हूँ, और यहाँ पे मैं दोस्तों 4 mm की चाल रखता हूँ इस चाबी से मापने के बाद। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे मैं 4 mm की चाल रखता हूँ, और यदि 4 mm की चाबी नहीं जा रही तो कुछ इस प्रकार के वाइसर डाल के इस एम्पिलर को हमें ऊँचा लेना होता है, और फिर देख सकते हैं आराम से जो है 4 mm की चाल जो है चली जाती है। और फिर उसके बाद इस बाउल को यहाँ पे डाल देना होता है, और फिर दूसरा एम्पिलर भी वैसे ही सेम टू सेम मैं ऐसे पंप बनाता जो है चला जाता हूँ। यदि फिर भी चाबी नहीं जा रही तो फिर भी इस वाइसर का हम इसमें डाल के फिर 4 mm की चाबी डालते हैं। और दोस्तों कंपनी में क्या है, ऐसे ही नियम से पंप बनाते हैं तो बहुत ही जल्दी जो है पंप बन जाता है। और उसके बाद मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि अखिल बार अस्कर जो है कैसे पंप बनाते हैं, कितने एम एम की प्ले रखते हैं। देख सकते हैं इसी 4 mm की चाबी से यहाँ पे 4 mm की हमें जगह रखनी होती है यहाँ पे, और इस चाबी से 4 mm की चाबी से यहाँ पे प्ले रख के ऐसे ही हम पंप जो है बनाते चले जाते हैं। तो ऐसे ही हम पंप बनाते हैं। अब दोस्तों मैं आपको चलिए बताता हूँ कि अखिल बार अस्कर जो है कैसे पंप बनाते हैं। सबसे पहले इस सभी को आइटम को निकाल देते हैं हम, यहाँ पे साफ्ट है तो वो दोस्तों इस किसी भी लाग पे जो है पंप नहीं बनाते हैं, पंप बनाना नहीं आपको सिखाते हैं। तो दोस्तों लेते हैं कुछ इस प्रकार की मोटर, और इसमें कुछ इस प्रकार से साफ्ट को डाल दिया, फिर इस सक्शन को यहाँ पे डाल के यहाँ पे दोस्तों टाइट कर देते हैं दो नट और बोल्ट को लगा के। कुछ इस प्रकार से हमने देख सकते हैं सक्शन को यहाँ पे टाइट कर दिया,
और वो क्या करते हैं कि यहाँ पे 2 mm की चाल रखते हैं, यहाँ पे 2 mm की प्ले, उनकी जो सेटिंग होती है कि यहाँ पे उन्हें 2 mm की चाल आप देख सकते हैं इस कपल और बूसिंग में, वो 2 mm की चाल यहाँ पे नीचे रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, 2 mm की चाल यहाँ पे नीचे उन्होंने रख दी और फिर एक एम्पिलर को लेके इस शाफ्ट पे डाल, और फिर दोस्तों देख सकते हैं 2 mm की चाल यहाँ पे भी रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं और इतना एम्पिलर जो है उठना चाहिए, 2 mm की चाल यहाँ पे रख दी, 2 mm की चाल यहाँ पे रख दी, 2 mm की चाल यहाँ पे रख दी, तो क्या हुआ, 2 mm और 2 mm दोनों मिला के 4 mm हो गए। जी हाँ दोस्तों, उनका स्टाइल जो है थोड़ा सा अलग है, वो थोड़ा टाइम लगता है इस तरह से पंप बनाने में, इसे देख देख के बनाना पड़ता है, और जो हम कंपनी पे बनाते हैं वो 4 mm की चाबी डाल डाल के जल्दी से जल्दी पंप बना देते हैं, क्योंकि यदि हम वैसे पंप बनाएंगे तो 1.5 से 1 घंटा लगेगा, और यदि हम 4 mm की चाबी से पंप बनाएंगे तो वहाँ पर 5 से 10 मिनट ही लगता है एक पंप वो बनाने के लिए। तो 2 mm वो ऐसे पंप यहाँ पे 2 mm प्ले रख दी, 2 mm यहाँ पे प्ले रख दी, और फिर इस दोस्तों बाउल को डाल दिया वहाँ पे, और फिर दूसरे एम्पिलर को लेके, फिर दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 2 mm की ही चाल है, और यह एम्पिलर जो है इतना जो है उठना चाहिए, 2 mm की चाल है, 2 mm के फिर से यहाँ पे रख दी, गाल तो और फिर इस बाउल के यहाँ पे डाल देते हैं। फिर दोस्तों देख सकते हैं पंप जो है कितना एम्पिलर जो है ऊपर प्ले है। फिर से तीसरा, चलिए एम्पिलर डालते हैं, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं हम 2 mm की ही प्ले रखते हैं, तो यदि ऐसे पंप बनाएंगे तो 2 mm की प्ले रखनी पड़ती है, और यदि हम इस एम्पिलर को ऊपर करके यहाँ पे चाबी डाल के आपको दिखाते हैं, पकड़ते चाबी, यानी कि जो प्ले है नीचे की 2 mm हम उसको ऊपर करते हैं, देख सकते हैं, और फिर चाबी डालते हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पे 4 mm की प्ले हो जाती है, हिलाना 4 mm की ही चाल हो जाती है, यानी कि दोस्तों चाहे वो बनाए चाहे मैं बनाऊं, दोस्तों यहाँ पे 4 mm की ही चाल रखनी होती है, तभी जो है पंप जो है अच्छा चलेगा। तो चाहे नीचे 2 mm रख दो, फिर 2 mm ऊपर रख दो, तो 2 और 2 मिला के 4 mm ही हो जाता है। तो ऐसे पंप बना के, चलिए मैं खोल के इसको आपके लाग में रख के फिर आपको दिखाता हूँ। चलिए इस मोटर से हम इस पंप को खोलते हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं अभी 2 mm की चाल है, और 2 mm की यहाँ पे नीचे कप्पल में चाल है, 2 mm नीचे प्ले है और 2 mm ऊपर प्ले है। चलिए मैं इसको पंप को इस लाग में रख के आपको दिखाता हूँ कि 4 mm की प्ले यहाँ पे हो जाती है कि नहीं। देख सकते हैं इस प्रकार से हमने इसमें रख दिया, तो यहाँ पे क्या होता है, नीचे बिल्कुल भी प्ले नहीं होती है, और ऊपर देख सकते हैं सेम टू सेम 4 mm की प्ले जो है आ गई है। माप तो चाहो, अब देख सकते हैं 4 mm की चाबी जो है आराम से चली जाती है, तो 4 mm की प्ले ही हो जाती है। ना दोस्तों मैं आपको गलत बताता हूँ कि पंप ऐसे बनता है, और ना दोस्तों अखिल भार अस्कर जो है आपको गलत बताते हैं कि ऐसे पंप बनता है, दोनों दोस्तों से ऐसे ही पंप बनाते हैं, और वो पंप बनाने का स्टाइल जो है थोड़ा सा अलग है, बाकी पंप जो है सेम टू सेम प्रकार से ही बनता है। या दोस्तों हम दोनों ही सही हैं, मैं अपनी स्टाइल से पंप यहाँ पे बनाता हूँ, वो दोस्तों अपने स्टाइल से बनाते हैं। चलिए एक बार आपके भरोसे के लिए यहाँ पे देख सकते हैं 4 mm की प्ले है, और इस पंप को निकाल के चलिए फिर से इस मोटर पे हम रख के आपको दिखाते हैं। तो इस मोटर पे हमने रखा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 mm की ही प्ले बची है, क्योंकि 2 mm हमने नीचे प्ले जो है बची थी, आप देख सकते हैं 2 mm ये और 2 mm ये, तो यहाँ पे 4 mm की प्ले हो गई है, और इसी पंप को मैं यहाँ पे अपने लाग पे रखता हूँ, तो देख सकते हैं यहाँ पे 4 mm की चाल जो है हो गई। दोस्तों बस इतना ही कंफर्म करने के लिए काफ़ी है कि ना तो वो गलत आपको बताते हैं कि ऐसे पंप बनता है, ऐसे पंप को रिपेयर किया जाता है, और ना ही मैं जो है गलत आपको बताता हूँ कि ऐसे पंप बनाया जाता है। सिर्फ इतना ही यहाँ पे वो होता है कि यहाँ पे ऐसे जो यदि 4 mm की चाबी से चाल रख रख के पंप बनाएंगे तो पंप जो है जल्दी बन जाएगा, और यदि इस पंप को इस मोटर पे रख के बनाएंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे सुनिश्चित करना होता है कि 2 mm प्ले है या 1.5 mm है, और चाबी से तो हमारी चाबी चली जानी चाहिए आराम से, तो जो है पंप उसमें ज़्यादा कुछ सुनिश्चित करने की ज़रूरत नहीं होती है।
दोस्तों बस इतना ही।